child. Divorce. No. Wait, I'm Dr. Jung. I've simply opened a door. It's for the young men like yourself to walk through. Perhaps she's the one for your experimental treatment. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. It's exciting to me. Sometimes you have to do something unforgivable. वेलकम बैक टू बॉलीवुड मसाला। आज मैं 2011 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द डेंजर मेटर। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को एक लड़की जिसका नाम सबिया होता है उसे ज़बरदस्ती ले जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मालूम होता है कि वह सबिया के कहने पर इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। सबिया को दरअसल हिस्ट्रिया नाम की बीमारी है जिसमें मरीज कभी हंसने लगता है तो कभी हंसते हंसते रोने लगता है। मतलब ये बहुत ही अजीब बीमारी होती है। और कुछ देर के बाद वहाँ पे डॉक्टर कालर सबिया के कमरे में आते हैं उसका इलाज करने के लिए। वो सबिया से कहते हैं कि मैं तुम पर कोई इंजेक्शन या दवा नहीं लगाऊंगा, बल्कि हम दिन के एक या दो घंटा आपके पास के बारे में बात करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि आपको क्या परेशान कर रहा है। कारण ने सबरीना का इलाज करना शुरू कर दिया जिसी दौरान वह सबरीना के पीछे बैठ जाता और इससे सवाल पूछता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो के अच्छे तरीके से जवाब दे सके। फिर आगे इन दोनों की बातों से मालूम होता है कि सबरीना के फादर इसके हालत के जिम्मेदार है क्योंकि बचपन से सबरीना के फादर इसके बहन भाइयों को भी तंग किया करते थे। फिर हम कारल को इसके घर देखते हैं ईमा के साथ जो इसकी बीवी होती है और जो प्रेग्नेंट है। ईमा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी अमीर थी। और फिर बाद में कारल ने ईमा को सबिना के बारे में बताया। कुछ दिनों के बाद जब कारल ईमा की हालत चेक कर रहा था कारल के एक और बात मालूम होती है, अगर सबिना की बीमारी को दूर कर दिया जाए तो वो बहुत ही ब्रिलियंट थी कि जब वो 4 साल की थी। और इत्तफाकन इसके हाथ से गिरने से प्लेट टूट गई तो इसके फादर इसे एक छोटे से कमरे की तरफ देखा और सबिया को पीछे मारा और वहाँ की तमाम चीज़ें अभी उसे तकलीफ दे रही थी लेकिन साथ ही वो काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी। हालांकि एक बहुत बुरी बात है लेकिन सबिना को इसके पापा का इसके पीछे मना पसंद आने लगा जिसके पास से जब भी इसके पापा इसे छोटे कमरे में जाने को कहते हो तो सबिना खामोशी से इसकी बात मान लेती क्योंकि अब वो इसे पसंद करने लगी थी। ये सारी कहानी सुनकर कालर समझ गया कि इस इंसिडेंट की वजह से सबिना हिस्ट्रिया नाम की बीमारी का शिकार है। अब कहानी 2 साल आगे जाती है लेकिन हम देखते हैं कि कारल ईमा के घर डॉक्टर फ्रेड से मिलने आया। जब कारल डॉक्टर फ्रेड से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सबिना की हालत पिछले 2 साल में काफ़ी बेहतर हो गई है और वो कारल की सिफारिश के साथ मेडिकल स्कूल में साइकोलॉजिकल की पढ़ाई कर रही थी। कारल का कहना था कि सबिना एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल डॉक्टर बन सकती है। मज़ीद हमें ये भी देखते हैं कि डॉक्टर कारल ने सबिना का इलाज करने का तरीका दरअसल डॉक्टर फ्रेड्स ने ही सीखा था लेकिन कई साल पहले जब डॉक्टर फ्रेड ने सबको अपना तरीका बताया तो इनके इस तरीके को किसी ने नहीं माना और सब ने इनका मजाक उड़ाया। लेकिन बाकी डॉक्टर का ख्याल था कि डॉक्टर फ्रेड का तरीका बहुत खतरनाक है जो मरीज़ की जान भी ले सकता है। दरअसल इनकी फिल्म में दिखाया गया है कि इस वक्त हिस्ट्रिया की बीमारी का इलाज शॉक ट्रीटमेंट से किया जाता है लेकिन कारण ने पहली बार यह तरीका अपनाया डॉक्टर फ्रेड का और इसने सबिना को अपनी तरीके से ठीक कर डाला और डॉक्टर कारण फ्रेड के इस बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है। अगले दिन कारल सबिना से मिलने जाता है और इसे बताता है कि इसने आज डॉक्टर फ्रेड से इसके बारे में बात की और इसे बताता है कि वह बहुत अच्छी फिजिशियन हो सकती है। सबिना यह जानकर बहुत खुश हो जाती क्योंकि वो भी फिजिशियन बनना चाहती थी। अब कुछ दिन इसी तरह करते करते गुजर जाते हैं। एक दिन डॉक्टर फ्रेड ने ओटो नामी शख्स को इलाज के लिए कारल के पास भेजा। दरअसल ओटो भी फिजिशियन का डॉक्टर है लेकिन किसी वजह से वो लड़कियों का आदी हो गया और इसके फादर ने डॉक्टर फ्रेड से जान छुड़ाने के लिए बात की। इसके बाद डॉक्टर फ्रेड ने इसे कारल के पास भेजा क्योंकि कारल हाल ही में अपने तरीके से सबिना को ठीक किया था। ओटो से बातचीत के दौरान कारल को मालूम होता है कि ओटो अपने करीब मरीजों के साथ अफेयर कर चुका है। दरअसल उसे यकीन था कि ऐसा करने से उसके मरीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। वो सबिना से इसलिए मिला क्योंकि वो उसे ठीक करके उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहता था।
एक दिन सबीना इससे अपने ख्याल के बारे में बताती है जहाँ वो कारल को किस कर रही होती है। और कारल भी सबिया को काफ़ी वक्त से पसंद कर रहा था इसलिए वो सबिया से कुछ नहीं कहता। लेकिन जब ओटो को इस बात का पता चलता तो वो कहता है कि तुम्हें आज़ादी देनी होगी सबीना को ऐसा करने के लिए और आपको इससे रिलेशनशिप बनाना होगा। अब डॉक्टर ओटो कारल की ये बात सुनकर काफ़ी हद तक समझ गया था कि इसे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन कारल यह सोचकर काफ़ी परेशान हो रहा था कि ओटो को अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ कौन है। लेकिन इसने इसे एडवाइस किया कि और फिर कारल को एक दिन पता चलता है कि ओटो अस्पताल से फरार हो गया। और फरार होने से पहले इसने कारल को एक खत लिखा था। इसमें लिखा था कि वो अपने बाप से तंग आकर यहाँ से भाग रहा है तो इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं है। इस खत में वो कारल को सबीना के साथ रिलेशनशिप करने के लिए एडवाइस करता है। फिर ये पढ़कर कारल खुद को रोक नहीं पाता है और सीधा सबिया के घर चला जाता है जहाँ वो पहली बार सबीना के साथ रिश्ता बनाता और यहाँ इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता और इस दौरान सबीना कारल को कई बार पीठ पर मारने के लिए कहती है जिस तरह से उसके फादर से बचपन में मारा करते थे। और वो ये समझता है कि सबिया अभी तक वो इस हादसे को भूली नहीं है। ये सब करते हुए कारल डॉक्टर फ्रेज से भी मिलता और इसे सबीना के रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताता। लेकिन अभी इसने डॉक्टर फ्रेड को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया था और वो उसे ये भी बताता है कि फ्यूजनलाइजेस नहीं करना चाहता बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टडी करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर फ्रेड ने इसे इनकार कर दिया और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर फ्रेड कारल से मिलने आता है। इसने कारल से पूछा कारल से शहर में फैली अफवाह के बारे में। किसी लड़की ने इसे खबर दी है कि कारल का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब कारल का ये सब सुनकर कहता है कि इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। ये सुनकर वो काफ़ी डर जाता और अब वाकई किसी के को और इसके और सबिया के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो इसके और इसकी बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसने सबिया से मिलने के बाद इसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप कारल को खत लिखता है जिसमें इससे पूछता है कि क्या इसका सबीना के साथ अफेयर था। लेकिन कारल ने खत में लिखा है कि सबीना सिर्फ इसकी मरीज थी और उनके दरमियान कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। खत को पढ़कर डॉक्टर फ्रेड को यकीन था इसलिए इसने सबीना के खत लिखा कि तुमने कारल के साथ अपने अफेयर के बारे में मुझसे झूठ बोला था इसलिए मैं तुम्हारे किसी तरीके से कोई मदद नहीं करूंगा। इस खत को पढ़ते हुए सबीना को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोने लगती है और फिर सीधा कारल के पास पहुँचती है जो यह शायद छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने रहा था। यहाँ कारल से कहती है कि वो डॉक्टर फ्रेड को सच बता दे जो इनके दरमियान हुआ था क्योंकि अगर कारल डॉक्टर फ्रेड को सच नहीं बताएगा तो फिर वो इसकी मदद नहीं करेंगे जिसकी वजह से सबीना का करियर अब ख़त्म हो जाएगा। बीना के बहुत कहने पर डॉक्टर कारल डॉक्टर फ्रेड को सच बताने पर राज़ी हो जाता और डॉक्टर फ्रेड को एक खत लिखता है जिसमें से बताता है कि सबीना इसे झूठ नहीं बोली थी और इन दोनों के बीच में अफेयर था। डॉक्टर फ्रेड ने वो खत पढ़ा तो इसने सबीना से माफ़ी मांगी और उसे अपने पास बुला लिया। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं और डॉक्टर कारल डॉक्टर फ्रेड से मिलने के लिए अमेरिका चला जाता है और मीटिंग के दौरान कारल ने डॉक्टर फ्रेड की सपोर्ट करने के बजाय उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस रखे जिसकी वजह से वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते और इस वक्त के बाद उन दोनों में काफ़ी दूरी पैदा हो जाती है जिसके बाद वो घर आते हैं और तो एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा खत लिखते हैं और फिर वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। ऐसा करते करते चंद साल गुजर जाते हैं लेकिन एक दिन सबीना कारल के घर आती है और इमा से बात करती है और इसे मालूम होता है कि सबीना एक रूसी आदमी से शादी कर ली और वो प्रेग्नेंट है। एमा सबीना को बताती कि जब से कारल ने डॉक्टर फ्रेज को खत लिखना छोड़ा है तो वो डिप्रेशन में चला गया। एमा ने सबीना को कॉलर से एक बार खत में बात करने का कहा। जब सबीना कारल से बात कर रही थी तो वो कारल को बताती कि वो प्रेग्नेंट है और इसके पेट में बच्चा। कारल सुनकर बहुत खुश होता और वो कहता कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ सबीना। फिर के आखिरी में हम सबीना को रोते हुए देखते हैं और